सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी इमेज को रोटेट कैसे करते हैं, यानी कि 90 डिग्री रोटेट या फिर किसी भी एंगल में रोटेट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोज देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोज देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने यहाँ पर ये एक इमेज है, ठीक है। अगर इस इमेज को हमें रोटेट करना है तो सबसे पहले हमें इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इमेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए चारों ओर छोटे छोटे सर्किल आपको दिखाई पड़ेंगे, इसका मतलब ये इमेज जो है वो सेलेक्ट हो गई, ठीक है। इमेज सेलेक्शन के बाद एक नया टैब आपको मिलेगा ऊपर, फॉर्मेट टैब। ये टैब आपको तभी दिखाई पड़ेगा जब आप इमेज सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज ये टैब आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मेट टैब पर क्लिक कर दीजिए। तो जब आप फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, हमको चलना है राइट हैंड साइड में और यहाँ पर ये ऑप्शन मिलता है हमको रोटेट का, ठीक है। इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर वो सारे ऑप्शन है। अगर मान लीजिए 90 डिग्री पे रोटेट करना हो तो इस पर ले जाइए अपने कर्सर, तो देखिए फोटो 90 डिग्री पे रोटेट हो गई। रोटेट लेफ्ट करना हो तो इस तरीके से फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो ये देखिए इस तरह से हम इमेज को रोटेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी खास एंगल में रोटेट करना हो तो क्या करना है उसके लिए हमको, ये देखिए ये छोटा सा सर्किल आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। इसको पकड़िए और अपने हिसाब से इमेज को कहीं पर भी आप किसी भी एंगल में जो है वो रोटेट करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इमेज को रोटेट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में।